बताया कि इसराइल ने क्या क्या जुल्म किए हैं और किस तरह से उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं, और कब्ज़ा करने के बाद जो कब्ज़ा छुड़ाना चाहते हैं उन्हीं को मार रहा है। वो इतने बच्चे और औरतें किसी जंग में नहीं मारे गए कि जो उसने एक साल के अंदर इसराइल ने मार दिए बच्चे और औरतों। पूरा टेररिज्म जो है उसका जो आविष्कार किया है, आविष्कार टेररिज्म का करने वाला इसराइल है। पूरी अमेरिका की और पूरी दुनिया की सपोर्ट इसराइल को है, तो अगर देखा जाए तो कोई कंपेरिजन ही नहीं हिजबुल्ला में इसराइल, उसके बाद भी अपने जाने दे रहे हैं, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर फ्रीडम फाइटर टेररिस्ट हैं तो इसका मतलब मुजीबुर रहमान भी टेररिस्ट है, फिर गांधी जी भी कह दीजिए आप कि वो भी अंग्रेजों के निगाह में टेररिस्ट है। वो सुभाष चंद्र बोस तो सबसे बड़े टेररिस्ट थे, उनके लिए सबसे बड़ा धोखेबाज अमरीका है, और इंडिया को भी धोखा देगा वो, और सबको उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया। फिलिस्तीनियों की हमेशा इंडिया ने हिमायत की है। अरे हमारे पास अभी वीडियो मौजूद है अटल बिहारी जी का, अटल बिहारी जी का वीडियो मौजूद है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद उसने हमला नाजायज़ किया इसराइल ने और फिलिस्तीनियों को ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और इसराइल को ज़मीनें खाली करना होगी। बीजेपी के जो वो थे फाउंडर वो अटल बिहारी जी थे, तो अटल बिहारी जी की बात को बीजेपी कैसे भूली जा रही है, यही मैं समझ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ ईरान एम्बेसडर भी इसमें शरीक थे और फिलिस्तीन के एम्बेसडर भी इस जलसे में शरीक थे, और उन्होंने बताया कि इसराइल ने क्या क्या जुल्म किए हैं और किस तरह से उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं, और कब्ज़ा करने के बाद जो कब्ज़ा छुड़ाना चाहते हैं उन्हीं को मार रहा है, वो उन्हीं को ख़त्म कर रहा है। और आज का मीडिया मारने वाले को जो है वो मज़लूम कह रहा है, और जो जो बेचारे पिटने वाले हैं जिनकी ज़मीन छीनी है उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है। आप देखिए 45,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया, जिसमें मेजॉरिटी बच्चों और औरतों की थी, जिसमें एक एक महीने के बच्चे थे, उनको मारा इसराइल ने। उसके बाद मीडिया जो है वो फिलिस्तीन मरने वालों को टेररिस्ट कह रहा है, और जो इसराइल है जो इतना जुल्म कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है कि आज तक ऐसा अत्याचार कभी नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में, इतना ऐसा अत्याचार, इतने बच्चे और औरतें किसी जंग में नहीं मारे गए कि जो उसने एक साल के अंदर इसराइल ने मार दिए बच्चे और औरतों। तो आज ये मीडिया तो क्या हो गया है कि इस तरह से इसके दिमाग के पर्दे पड़ गए हैं, उसकी आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं कि इतने बड़े जालिम और टेररिस्ट को पूरा टेररिज्म जो है उसका जो आविष्कार किया है, आविष्कार टेररिज्म का करने वाला इसराइल है। क्योंकि जब इसराइल बनाया तो इसने पूरे धमाकों से वहाँ पर धमाके करना शुरू किए थे फिलिस्तीन में, तब जाके इसने वहाँ कदम जमाए। और पूरा ये बम कहाँ से मिले, बैंकर बस्टर बम जो है आप देखे तो हिजबुल्लाह के पास क्या है, कहीं से असलाह नहीं मिल रहा है, उसके होम मेड असले हैं उनके पास हैं, और पूरी अमरीका की और पूरी दुनिया की सपोर्ट इसराइल को है। तो अगर देखा जाए तो कोई कंपेरिजन ही नहीं हिजबुल्लाह में इसराइल, उसके बाद वो अपने जाने दे रहे हैं, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह वाले, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी फ्रीडम फाइटर, मैंने कहा तो अगर फ्रीडम फाइटर टेररिस्ट हैं तो इसका मतलब मुजीबुर रहमान भी टेररिस्ट है, फिर जिन्होंने पाकिस्तान से अपने को आज़ाद करवाया, फिर इसके बाद गांधी जी भी कह दीजिए आप कि वो भी अंग्रेजों के निगाह में टेररिस्ट है, वो सुभाष चंद्र बोस तो सबसे बड़े टेररिस्ट थे उनके लिए, तो जो आप फ्रीडम फाइटर को टेररिस्ट कह रहे हैं, इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा अत्याचार और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए भारत सरकार बिल्कुल इस वक्त चुंगल में है, बिल्कुल अमेरिका इसराइल के वो हिल नहीं पा रहे हैं यहाँ, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये अमेरिका से बड़ा किसी का धोखाबाज कोई हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा धोखेबाज अमेरिका है, और इंडिया को भी धोखा देगा वो, और सबको उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया। हाँ बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, अमरीका से बड़ा दगाबाज कोई नहीं है, उससे बड़ा मक्कार कोई नहीं है, और सबसे बड़ा धोखेबाज अमरीका है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए, हमेशा उसने धोखा दिया। और लिहाजा हम सोच सकते कि जो दोस्त मुल्क उसके हैं, मसलन अरब मुल्क है उनको अपने साथ रखे, और ईरान उनको साथ रखे, जो उसके दोस्त उनको अपने साथ रखे, फिलिस्तीनियों की हमेशा इंडिया ने हिमायत की है। अरे हमारे पास अभी वीडियो मौजूद है अटल बिहारी जी का, अटल बिहारी जी का वीडियो मौजूद है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद उसने हमला नाजायज़ किया है इसराइल ने और फिलिस्तीनियों को ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और इसराइल को ज़मीनें खाली करना होगी। तो ये तो बीजेपी के जो वो थे फाउंडर वो अटल बिहारी जी थे, तो अटल बिहारी जी की बात को बीजेपी कैसे भूली जा रही है, यही मैं समझ नहीं आ रहा था। क्यों कभी भी अटल बिहारी जी ने इसराइल की हिमायत नहीं की है, हमेशा फिलिस्तीनियों की हिमायत की है।